Because I've seen you in the sets, I didn't think that ये मेरे बच्चे की माँ बनाएगा। अच्छा। मतलब। सारे जितने भी सोशल मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से देखती है और उसका लुफ्त उठाती है। She enjoys, she's as excited watching entertainment as much as she in creating entertainment. So that's something which I really admire about her. Besides being a singer. एक मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो आई वाज इन माय फिफ्थ मंथ यू डोंट रिमेंबर व्हाट आई रिमेंबर बट वो एक्साइटिंग नहीं था वो काफी डिफिकल्ट था बिकॉज़ कई शॉट्स हमें पानी में जाकर लेना पड़ा हां तो वो मतलब जो -5 -7 डिग्री टेंपरेचर था और उसमें जो हवाएं लगी पड़ी थी लेकिन और फिलो फाइट में मैं अच्छे से मार भी नहीं सकता था सिर्फ खा रहा था वो वैसे भी खा सकता है घर पे भी कभी पड़ सकती है वो ही मौका इसके पास था ये मुझे घर पे नहीं मार सकता मैं तो या सो आई थिंक ये बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट था नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट और मैं सोचती हूँ कि अच्छा प्रेगनेंसी में मैंने जाके तो शूट किया था आई थिंक दैट रियली एक्साइट्स मी बिकॉज़ आई हैव सीन यू इन द सेट आई डिडंट थिंक दैट ये मेरे बच्चे की मां बनाएगा अच्छा मतलब ये कब होता है कि मैं घर पे जाके बच्चों की मां बनती हूं घर पे जाके बच्चों की मां नहीं यहां आके तो है ना हां यार एंड ये सोचा ओ इससे मेरी शादी होगी और ये मेरे बच्चे की मां बिल्कुल भी नहीं सोचा था परफेक्ट परफेक्ट यस ही हैज मेड लाइफ परफेक्ट फॉर मी और ये मैं आज सबके सामने इजहार करना चाहती हूँ सो आई थिंक इस सवाल का जवाब है प्रैक्टिस मैंने खूब प्रैक्टिस करी है बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना है अच्छे लोगों को गाते हुए देखा है और म्यूज़िक के साथ खुश रहना सीखा है तो इसलिए जब भी हो मेरा मूड हमेशा गाने का रहता है ये जो कपल है ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं वीडियो में एंड जब मुझे पता चला कि दे आर हस्बैंड वाइफ इन रियल लाइफ एंड उन्हें अभी एक बीबी भी हुआ है सो आई वाज रियली हैप्पी और जैसा कि आप देख सकते हो कि वीडियो में उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और ये आई थिंक एक रियल लाइफ में जो कपल हैं वही इस तरह का निभा पाते हैं सो आई एम रियली हैप्पी सो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों में नहीं बनते हैं 15 दिन लग जाते हैं 10 दिन लग जाते हैं बट वजह एक ऐसा गाना है जो वन फ्लो में पूरा बन गया था लाइक ऑल द वर्सेस मुखड़ा अंतरा सब गाने का एक साथ हो गया था एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये फिल्म के लिए बनाऊंगा या फिर ये एक सिंगल की तरह आएगा सो ये एक उस तरह का गाना है जो यू नो दिल से निकला है और आपके दिल तक पहुँचा है